हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो के लिए आप जो YouTube वीडियो बनाते हैं उसके लिए आप फ्री कॉपीराइट म्यूजिक कहां से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे तीन तरीके बताऊंगा जहां से आप फ्री कॉपीराइट म्यूजिक को यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपने वीडियो के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं तो इससे जो आपकी वीडियो काफी अट्रैक्टिव बनती है और जो व्यूअर्स होते हैं जो आपकी वीडियो सुनते हैं उसको सुनने में भी काफी अच्छा लगता है। जैसे कि आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इसमें भी अगर आप यहाँ से सुन रहे होंगे तो इसमें भी बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक एक वीडियो के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में तीन तरीके बताऊंगा जहाँ से आप फ्री कॉपीराइट म्यूजिक को यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से तीन तरीके हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो तरीका है वो हम YouTube से ही सीखेंगे। YouTube में काफी सारे ऐसे चैनल है म्यूजिक के जो कि फ्री में म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं। उनमें से एक चैनल का नाम है NCS। NCS को आप YouTube में सर्च करेंगे तो यहाँ पर आएगा नो कॉपीराइट साउंड। या इसमें जितने भी म्यूजिक है वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री में म्यूजिक को यूज कर सकते हैं। आप इस चैनल को जब ओपन करेंगे और वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे इसमें म्यूजिक ही म्यूजिक है और सारे ये म्यूजिक के चैनल है। इसमें देख सकते हैं कितने सारे से म्यूजिक है। इनमें से आप सुन के आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे मैं एक बात और बता दूं, आप किसी भी म्यूजिक को जब यूज करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर आप चेक कर ले, क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं ये लिखा होगा, व्हेन यू आर यूजिंग दिस ट्रैक वी सिंपली आस्क दैट यू पुट दिस इन योर डिस्क्रिप्शन। मतलब कि इस चैनल से कोई भी आप म्यूजिक को यूज तो कर सकते हैं फ्री में, लेकिन क्रेडिट देना पड़ता है। तो आपको ये सिंपली बस इसको कॉपी करके और डिस्क्रिप्शन में आपको पेस्ट कर देना है, तब आप इस म्यूजिक को फ्री में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पहला तरीका। अब दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका है हमारा इधर मिक्स किट। ये एक वेबसाइट है, आप मिक्स किट को सर्च करेंगे गूगल पे और इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मिक्स किट ऑसम फ्री असेट। इसको अगर आप ओपन करेंगे और यहाँ पर इधर म्यूजिक पे चले जाएंगे, म्यूजिक वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कई सारे इधर म्यूजिक मिल जाएंगे। आपको इनमें से कोई भी म्यूजिक अगर सही लगे तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली बस यहाँ से प्ले करना है और आपको डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर सर्च म्यूजिक, जो म्यूजिक को सर्च करना आप सर्च भी कर सकते हैं। और ये भी म्यूजिक बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल ऑडियो क्लिप्स आर रॉयल्टी फ्री एंड कैन बी यूज्ड विद नो एट्रीब्यूशन। नो एट्रीब्यूशन मतलब कि कोई भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। और ये यहाँ पर जितने भी ये ऑडियो दिख रहे हैं ये सारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं और प्ले करने के बाद जो भी म्यूजिक आपको सही लगे आप उसको यहाँ से सिंपली ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इस वेबसाइट में आपको कोई भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं, ये सारे म्यूजिक जो है बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, ये थी दूसरी वेबसाइट। दोस्तों, अब थर्ड तरीके की तरफ चलते हैं। आपने सुना होगा यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। अब यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से मैं बताऊंगा कैसे आप म्यूजिक को यूज कर सकते हैं। आपने बहुत लोगों ने सुना भी होगा यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी के बारे में। अगर आप अपने चैनल वाले पे जाएंगे और YouTube स्टूडियो पे जाएंगे, YouTube स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ पर इधर लेफ्ट साइड में नीचे माउस से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर आ रहा है ऑडियो लाइब्रेरी। इधर देख सकते हैं ऑडियो लाइब्रेरी लिखा हुआ है, तो इस पर आप ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं जितने भी इधर म्यूजिक आ रहे हैं ये खुद यूट्यूब की जो ऑडियो लाइब्रेरी है सारे फ्री में म्यूजिक है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्री म्यूजिक, ये सारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें मैं एक बात बता दूं, इधर लिखा हुआ है लाइसेंस टाइप कि कैस ये म्यूजिक का क्या लाइसेंस है। और जितने भी यहाँ पर ये यूट्यूब वाले जो लोगो दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं इधर जितने भी यूट्यूब वाले लोगो है इधर, तो इसको मतलब ये सारे फ्री म्यूजिक है और इसमें से आपको कोई भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में इस म्यूजिक को यूज कर सकते हैं। जैसे इधर लाइसेंस टाइप में यूट्यूब वाले आइकन पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर फ्री टू यूज दिस ऑडियो ट्रैक यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें मैं एक चीज और बता दूं, जैसे इधर फिल्टर है यहाँ पर थ्री लाइन पे इधर क्लिक करेंगे इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो मिलेंगे, एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, एक में एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड।
अगर आप एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे तो एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड मतलब कि फ्री में म्यूजिक है और कोई भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड ये ऐसा आएगा यूट्यूब वाला जो लोगो है तो इस तरह लाइसेंस टाइप में आएगा, तो अगर जिसमें भी ये है तो आप तुरंत देखते साथ समझ जाए कि ये म्यूजिक फ्री है और इसमें कोई भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आपको यहाँ पर जाकर एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे, इधर एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं चेंज हो गया लाइसेंस टाइप पर, यहाँ पर डबल सी आ रहा है, तो यानी क्रिएटिव कॉमन होता है। इसका मतलब ये भी म्यूजिक फ्री है लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में इनको मेंशन करना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करूंगा तो देख सकते ये इतना जो पूरा है इतना ये डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर आप इस वाले म्यूजिक को यूज करेंगे या कोई भी म्यूजिक को यूज करेंगे वो अगर एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड के अंदर है जिसमें डबल सी लिखा हुआ है तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इनको डिस्क्रिप्शन में। इसमें देख सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो सिंपली आपको यहाँ से इधर इसको ऐसे कॉपी कर लेना है, यहाँ टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो कॉपी हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में आपको अपना जाना है और जिस वीडियो में आपने म्यूजिक को यूज करा उस डिस्क्रिप्शन में आपको उधर जाके पेस्ट कर देना है अपना, और कोई भी म्यूजिक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कोई भी इस म्यूजिक को करना है तो इस म्यूजिक के सामने यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी म्यूजिक को। इधर आप बस ये दो चीज का जरूर ध्यान रखें, एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड मतलब कि बिल्कुल फ्री म्यूजिक है और कोई भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, और एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड भी मतलब ये है कि म्यूजिक तो फ्री है लेकिन बस आप क्रेडिट देना, बस आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है, आप बस कॉपी करके वहां से और डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर सकते हैं। और डाउनलोड के लिए पता ही है आपको कोई भी म्यूजिक डाउनलोड करना है बिल्कुल जैसे म्यूजिक है तो इसके बिल्कुल सामने डाउनलोड है, इस डाउनलोड वाले पे लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका म्यूजिक है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों मैं अपना फेवरेट बैकग्राउंड म्यूजिक बताने जा रहा हूँ जो मैं अक्सर अपने यूट्यूब वीडियो के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक को इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से इस्तेमाल करता हूँ, उस म्यूजिक का नाम है क्रॉक पॉट। आप क्रॉक पॉट को YouTube ऑडियो लाइब्रेरी में सर्च मारेंगे क्रॉक पॉट को तो देख सकते हैं ये म्यूजिक आ चुका है, और लाइसेंस टाइप में देख सकते हैं YouTube वाला आइकन आ रहा है तो मतलब फ्री म्यूजिक है और कोई भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं यू आर फ्री टू यूज दिस वीडियो ऑडियो ट्रैक, बिल्कुल फ्री म्यूजिक और कोई भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। इस म्यूजिक को एक बार प्ले करके आपको सुना देता हूँ कैसा म्यूजिक है ये। तो दोस्तों अगर आप मेरी अक्सर वीडियो देखते होंगे तो यही म्यूजिक मैं ज्यादातर अपने YouTube वीडियो के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरा फेवरेट म्यूजिक है, इस म्यूजिक को मैं ज्यादा अपने YouTube वीडियो के लिए इस्तेमाल करता हूँ। आप भी चाहते हो इस म्यूजिक को अपने YouTube वीडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री म्यूजिक है और कोई भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपने वीडियो के अंदर देखा कितने आसान तरीके की मदद से आप फ्री कॉपीराइट म्यूजिक को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। यदि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी।